अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फ्रेंड्स, क्या चल आप सबकी उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल विद अनदर व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? इट्स बीन सो लॉन्ग, हमने व्लॉग नहीं बनाया यार। रमजान आ चुका है, आके जाने वाला है। पहले तो आप सबको रमजान मुबारक, एडवांस ईद मुबारक। सो जैसा कि आपको पता है कि आज हम रमजान की रूटीन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि किस तरह से मेरी रमजान की रूटीन यहाँ पे गुजरती है। अभी नॉर्मली जो हम इफ्तारी करते हैं, मैं इफ्तारी करता हूँ बेसिकली, यहाँ पे एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे जाके करते हैं, वहाँ पे उनको सर्व भी करते हैं। आज फ्राइडे, आज हमारी सर्विंग की बारी है, तकरीबन 100-200 बंदा आ जाते हैं वहाँ पे, तो उनको सर्व भी तो करना होता है। सर्व करने की आज जो फ्राइडे है ना, फ्राइडे को हम पाकिस्तानियों की बारी होती है, हमें लीव या बकायदा उन्हें कह के कि हमें दे दो ताकि हम भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। एट द सेम टाइम सहरी मेरी सी हॉस्टल में होती है, वो भी आप लोग साथ में देखोगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड, चलते हैं, लेट्स गो। अच्छा जी, तो हम लोग चल रहे हैं बाहर। अच्छा यहाँ पे ये देखो, ये जैसे नज़र आ रहा है ना, ये बेसिकली रमज़ान की तैयारियाँ हो चुकी हैं। रमज़ान कहता हूँ, ईद की तैयारियाँ हो रही हैं। जैसे नज़र आ रहा है ना, सिंपल सेम वैसा सीन है जैसे पाकिस्तान में ईद करीब आने लगती है तो बाज़ार वगैरह ना रोडों से बाहर निकल के ना बाहर तक आ चुका होता है, भरता जाता है, फट्टे लगा लेते हैं लोग, क्या लगा लेते हैं वो। सेम यहाँ पर भी वैसा ही होता है। अगर इवन आप लोग कहोगे ना, तो चांद रात का मैं एक व्लॉग बना सकता हूँ, चांद रात का व्लॉग बनाऊंगा यहाँ पे, आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे कि किस तरह से यहाँ पे ओवरक्राउडेड हो जाता है सब कुछ, और एट द सेम टाइम यू नो किस तरह से लोकल बाजार है। एक इंटरनेशनल मार्केट वगैरह बाकी तो सब कुछ रहता ही है, बट वो जो लोकल मार्केट होती है ना, उस लोकल मार्केट को किस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। इवन तो पहले सारा जो बाजार था ना कि यहाँ पे होता था, बट अब यहाँ पे नहीं है। अब इधर से पुलिस में बैठने नहीं देती क्योंकि जगह बहुत नैरो हो चुकी है, पब्लिक ज़्यादा हो चुकी है, तो वहाँ पे चला गया। तो फाइनली मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और मैं अभी लेट आया हूँ यहाँ पे। इन्हें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पहले से कर ली हैं, जैसे कि मुझे चेयर्स वगैरह नज़र आई होंगी यहाँ पे ये सब कुछ पहले से हमने ही रखना होता है बेसिकली। जैसे ये रखा हुआ है ना, ये देखो, जैसे ये पानी रखा हुआ है, साथ में आयरन बेसिकली लस्सी होती है, और चम्मच वगैरह खाना वगैरह जो यहाँ पे शेफ़ होता है वो बनाता है, जो शेफ़ यहाँ पे पीछे आपको नज़र भी आ रहे होंगे, ये होता है। बट द थिंग इज के क्या से आवाज़ आ रही है, ये बंद कर दे, ये क्या चला रहा है, ये क्या चला रहा है रमजान के मौके में। और मजे की बात, यहाँ पे इफ्तार देने के लिए हम लोग आज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उसमें ये गाने चला के बैठे। इसकी शक्ल देखी जानी, ये भाई हमारा है नेपाल से, यहाँ पे पहले आपको होता होगा हारून होता था, उसके बाद अभी ये भाई है अली है, इसका नाम हजरत अली है, डायरेक्ट हजरत साथ लगा हुआ है। अभी इस बंदे का सीन ये है कि इसके साथ रह रहे के ना हमारी उर्दू खराब हो जाती है। ये बोलता है ना, जैसे इसको बोलने का लहजा डिफरेंट है, बोल ना इधर इधर तू, इधर इधर वीडियो वालों से बोल, जरूरत बोल तू, इधर बोल, जरूरत निकल जाए। मैं ना चलकर आपको शेफ से मिलाता हूँ और शेफ से पूछते हैं आज खाने में क्या है। अब होगा टर्किश में, मैं नीचे सबटाइटल्स दे दूंगा खाने में क्या क्या। ये उसामा भाई कैसे हो, एकदम फिट आप सुनाओ। ए वाले ये बंदा सबसे ज्यादा काम करता है वो जाम। मेहरबान, अस्सलाम वालेकुम नसर सनीस, ई अल्हम्दुलिल्लाह चोक शुक्र वो जाम। यूटी विच इन व्लॉग सिक्योर रूम मैन सी ये मेक द बुक ने लैप पे शी दिनिस बिजे जी मैम मिस्टर ना व्हाट चोक से मिस वर्क क्लब मिस वर्क हो जाम क्लब क्लब वर्क köfte var. Köfte var ve bu şorba. Mert mi çorba? Mert mi çorba? Sos var. Ha, o sos onun için değil mi? Sos ayrı mı hazırlanıyor? Tamam abi, teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. मीठे में बेसिकली ये ब्रेड है, इसके ऊपर इन्हें शीरे के अंदर डबो के रखी हुई है, और इसके ऊपर एक छोटी सी आइसक्रीम, इसमें नहीं ना एक्मेक इसके ना ऊपर वो आती है एक व्हाइट कलर की क्रीम होती है और वो बहुत अच्छी होती है। एहतिशाम और मैं ना सिर्फ उसको खा लेते हैं, ब्रेड को छोड़ देते रहते हैं, बट उसको भी क्रीम शांति कहते हैं, इसको इतमे कहते हैं, जैसे पता चल गया नेम आपको पता चल गया डिफरेंट है। खैर आज खाने में बड़े गोश्त के कोफ्ते हैं, एट द सेम टाइम मीठे में ये है, शोरबा हमेशा साथ में होता है टर्की, क्योंकि अगर आप टर्किश खाना खा रहे हो, टर्की डिश के बारे में बात कर रहे हो ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके अंदर जो सूप होता है, बेसिकली शोरबा कहते हैं ना टर्किश में, सूप होता है वो ना हो, क्योंकि ये एपिटाइजर के तौर पर सबसे पहले सूप लिया जाता है, उसके बाद खाना खाया जाता है, और एंड में एक मीठा होना लग जाता है।
तो हम फाइनली यहाँ से ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे आपको नजर आना होगा। बच्चा लाइन में वहाँ से आते जा रहे हैं, एक एक चीज डलवाते जा रहे हैं, किस तरह से डेली यहाँ पे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। ओके जी, तो हम फाइनली इफ्तारी करने के लिए आके बैठ चुके हैं, हमने सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे आप बच्चे नजर आ रहे होंगे सारे, काफी ज्यादा हर जगह पे जाके बैठ चुके हैं सब कुछ लेके, और इन दी एंड अब हमने ले लिया। एंड फिर रिटर्न इफ्तारी में ये होता है, चावल हैं, ये कोफ्ते हैं, ये मीठे में है, ये शोरबा है। तो यहाँ पे किस्म की एक फंक्शन सेरेमनी चल रहा है, मैं दिखाता हूँ फोकस करके। गिफ्ट्स वगैरह देते हैं, कोई कंपटीशन होते हैं कुरान के, तिलावत के, एंड ऑल दैट, जो उनमें विनर्स होते हैं। हम अपनी इफ्तारी स्टार्ट करते हैं। सेकंड फ्लोर पे इसका सारा मैं साफ करवा के आ रहा हूँ इसका, ठीक है। सेकंड फ्लोर पे ये भाई साहब एक ब्रश पकड़ लेते हैं, यूं ही रगड़ते रहते हैं एक ही जगह के ऊपर जब तक। ऐसे करो, इस मोबाइल को रखो, ये गर्ल्स एंड बॉयज। तो यार फाइनली काम शाम सारा पूरा हो चुका है मुकम्मल, आपको नजर आ रहा होगा सारे तकरीबन वो लोग नीचे जा चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग भी तकरीबन नीचे ही जा रहे हैं, बस ये आखिरी एक यू नो जहाँ जहाँ से वो चल के नीचे गए उस जगह पे फाइनली फाइनल टच हो रहा है कि भाई कहीं पे गंदगी नहीं होनी चाहिए। फाइनली हम आ चुके हैं वापस अपने हॉस्टल में, अपने हॉस्टल आ गए, वहाँ पे जो हमने यू नो इफ्तार करनी थी, उसके बाद भी जो काम शाम करने थे वो कर कर आके हॉस्टल आ गए। अभी थोड़ी देर ईजी होते हैं, चाय शाय बनाते हैं, उसके बाद शहरी पे उठेंगे, फिर शहरी दिखाऊंगा कि शहरी कैसे होती है। नीचे सहरी अच्छी ना हुई तो मोस्ट प्रोबेबली हम अपनी खुद ही बनाते रहते हैं, जो कि चोरी बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे अलाउ नहीं है बनाना। लेट्स सी गर्ल्स एंड बॉयज। तो यार हम वहाँ काम शाम करके वापस आ गए थे, काफी देर हो चुकी है, तो तकरीबन एक बज रहे हैं इस टाइम रात के। और अभी मैं अभी मेरा दोस्त आया था, काफी देर से बैठा हुआ था यहाँ पे, रूममेट एक यूक्रेन से, यूक्रेनियन है, तो बेसिकली यूक्रेन से, उसको तो मैं स्टेज पे भी छेड़ता हूँ, जब से बेचारा वहां से है वापस जा ही नहीं सका। खैर द थिंग इज वो बैठा हुआ था और मैं उसको अभी कवाली सुना रहा था नुसरत फतेह अली खान की, और मैं एक चीज में बैठे बैठे उसको तर्जमा कर रहा हूँ, और हम दोनों इस डिबेट पे आ गए हैं कि नुसरत फतेह अली खान साहब जिनको हम वो कहते हैं उसको इतनी ज़रूरत ही क्या है कि वो इन चीज़ों में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं वो गोरख धंधा की बात कर रहा था जिसमें वो लिरिक्स बोलते हैं हर जगह हो लेकिन कहीं भी नहीं हो, तो कैसे मैं यकीन करूँ कि मेरे ख्यालों में नहीं आती है, तुम्हारा वजूद है नहीं है। अब मैं उसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ एंड ही सीइंग लाइक कहते तुम लोग मुस्लिम कंट्री हो और ये सब कुछ चल रहा है वहाँ पे, और मैं कह रहा हूँ कि चल तो रहा है वहाँ की, तो मुझे इस चीज़ का समझाओ, कभी तुम लोगों ने सोचा है कि यार या फिर क्या मतलब क्या सीन है, लाइक यू नो हमने पाकिस्तान में रहते हुए कभी नहीं सोचा हम इस चीज़ को ऐसे ही मतलब इंजॉय कर लेते हैं, कवाली चल रही है ऑल दैट। और मोस्टली जहाँ तक मैं जानता हूँ हम दोस्तों वगैरह के साथ जब भी बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि यार वो इस उस मानी उस मीनिंग में बात नहीं कर रहा जिस मीनिंग में हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, दिस इज अ हिडन मीनिंग बिहाइंड इट, सो इज दिस व्हाट इट इज, बट आई एम नॉट श्योर कि मैं अब उसको ट्रांसलेट करते हुए हम लिटरली पॉइंट पे आ गए, उसने कहा कि भाई मैंने आगे नहीं सुननी, भाई ये बहुत गलत बातें चल रही हैं, एंड आई डोंट वांट टू लिसन एनी मोर, मुझे ना ट्रांसलेट करो, और मैं खुद उसमें टेंशन में आ गया था। तो मुझे जरा कमेंट्स में बताना ये क्या सीन है। इवन तो आज का व्लॉग हमारा एक नॉर्मल चल रहा है, जो डेली व्लॉग चल रहा है, मैं भी थोड़ी देर में सोता हूँ और ताकि मैं फिर शहरी के लिए उठ सकूँ ना, वरना शहरी के लिए उठ नहीं पाऊंगा। खैर मैं अभी बैठे बैठे मेरे दिमाग में आई ये चीज़, मैंने कहा मैं इसको बोल ही देता हूँ अभी, और ताकि यू नो आप लोगों से बातचीत भी हो जाएगी, पता भी चल जाएगा। अभी मैं सोता हूँ थोड़ी देर, तकरीबन एक बज गया है, दो तीन चार बजे तक सो सकते हैं, दो तीन चार तीन घंटे हैं मेरे पास, इवन तो मुझे सोते सोते एक घंटा और निकल जाएगा, तो दो घंटे सो लेता हूँ, उसके बाद सहरी करेंगे और उसके बाद सुबह तक सोएंगे और सुबह से पढ़ना स्टार्ट करना है भाई, क्योंकि ईद के फौरन बाद एग्जाम्स हैं हमारे, मिड्स हैं, ईद मतलब ईद का वीक खत्म हो रहा है, अगले पहला मंडे एग्जाम है। चलो बस अभी सोते हैं। गुड मॉर्निंग फ्राइज, सुबह हो चुकी है, सुबह इन द सेंस ऑफ सहरी का टाइम हो चुका है, चलते हैं सहरी खाने, चलते हैं नीचे चल के देखते हैं कि भाई सहरी में है क्या। लेट्स गो। Okay, you can introduce yourself to the people of Pakistan, India. Hello guys. Welcome to my channel. My name is Muhammad. I'm from Uganda. I'm the coolest guy here in this industry. ये बंदा है वो। ये बंदा है जो कल सुबह मेरे रूम में आया था, जिसकी वजह से मैं चल नहीं पा रहा। तुम यहाँ तक ही स्पोर्ट? हाँ। यूरेमियम स्टेशन पे। हम आ चुके हैं सुबह सुबह और नाश्ते में हमारे पास हैं दो अंडे, थोड़ा सा सलाद, टमाटर भी अच्छे नहीं लगते हैं, पनीर दूसरी वाली का गई है, दूसरी वाली होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, ये मीठा वाला मेरे को अच्छा नहीं लगता, जैतून ब्लैक वाली प्रेफर करता हूँ मेरे साथ, इसकी अच्छा हम ये वाली खाते ज़्यादा। बस ये हो गया, मैं ये भी नहीं उठा रहा।
ये हमारा नाश्ता होगा, लेकिन हमारा ना ऊपर पड़ा हुआ, ऊपर चल के बनाएंगे अभी चोरी चोरी टाइम में गर्म करते। ठीक है मैं रोटी ले जाता हूँ। मैंने पीछे दिखाया ना यूक्रेन वाला बच्चा जो बैठा हुआ था दोस्त, वो यूक्रेन वाला बेसिकली, उसने कल सर हम एक्सरसाइज कर रहे थे इकट्ठे, तो उसने कहा सीटअप्स कर रहे थे बेसिकली, तो मैंने 20 कहते नहीं लगा लगाओ 200 खुद तो अच्छा खासा स्पोर्ट्स वाला, मैं भी जोश में आ गया, मैंने कहा लगाएंगे भाई लगाएंगे, लगा तो दिए। इस टाइम अब चल रहा हूँ, चला नहीं जा रहा भाई, पूरे रमजान में पहली दफा 2 अंडे दिए इन्होंने, वरना 1 अंडा देते हैं ना जानी अभी मैं शामिल रूम में जा रहा हूँ, वहाँ पे जाके चोरी चोरी हम लोग खाना बनाएंगे और मैं नहीं दिखाऊंगा इससे आगे, खाना बनाते हैं वहाँ पे जाके और जल्दी से सहरी वगैरह वहाँ से कंप्लीट करते हैं, उसके बाद अपने रूम में जाता हूँ, फिर इस ब्लॉग को एंड करते हैं हम। तो सहरी इस तरह से हमारी होगी, आपने देख लिया सुबह सहरी में जैसे चीज़ें होती हैं ना, तकरीबन यही होती हैं, जैतून वगैरह ये दिखने में मे भी थोड़ा लग्जरी तो नहीं अच्छा लगता होगा, लेकिन इनको खाने का दिल नहीं करता भाई, ये दूर दूर से ही जैतून और ये पनीर वगैरह वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं जब खाने पे आते हैं ना, तो हमें भाई ये ऑमलेट चाहिए कुछ अच्छा सा मसाले वाला ये वो। खैर तो हम फिर नीचे अपना वगैरह बना लेते रहते हैं। तो इस तरह से मेरा पूरा रमज़ान गुजरता है यहाँ पे, लाइक यही सहरी होती है, यही इफ्तार होता है, इसी तरीके से, मतलब यही तो नहीं होती बट इसी तरीके से ही होती है। दैट्स इट फॉर द व्लॉग टुडे, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, काफी से बाद व्लॉग रिकॉर्ड किया, तो कमेंट सेक्शन में कुछ बताओ भाई ताकि इस व्लॉगिंग वाले चैप्टर को हम क्या करें, किस तरह से ट्रीट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, हिट द लाइक बटन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। Like, subscribe, push the button. Blow the button. Blow the button.